जो सब जानते हैं कि कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके कर्मों का नतीजा है और जो आप चॉइसेस लाइफ में लेते हैं वो आपकी जिंदगी उसी हिसाब से चलती है। तो इस फिल्म में पहली बार इस किरदार को एक मौका मिलता है, वो किसी वजह से फंस जाता है किसी चीज में, जिस वजह से उसे तानिया को मारने के लिए भेजा जाता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वही बात है कि जब उसे लगता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तब उसे मौका मिलता है दोनों जिंदगियां जीने का, एक में वो तानिया को मार के क्या होता है और एक में तानिया को जहां वो बचा लेता है उस जिंदगी में क्या होता है, और उन दोनों कर्मों के नतीजे उसे किस तरह फिल्म में मिलते हैं उस बारे में ये फिल्म है। दिस वाज रियली गुड फन, स्पेशली वर्किंग विद शिवम सर बिकॉज़ ही कम्स विद यू नो अ लॉट ऑफ मसल पावर बिहाइंड हिम, सो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम इन द इंडियन स्क्रीन, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे समझ में आ गई थी पूरी पिक्चर, आई वाज वंडरिंग हाउ यू मैनेज पैरेलल लेंस, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट। अ लॉट ऑफ फन, आई स्पेशली एंजॉयड डूइंग ऑल द एक्शन सीन्स विद कुणाल, एंड आई रिमेंबर इन थाईलैंड वी वर डूइंग दिस इंटेंस एक्शन सीन वेयर I'm in a boat and the boat is moving and Kunal is acting like a full hero and hitting the police and all. And then he had to jump into the boat because I'm in it. And instead of jumping into the boat, he jumped into the water. And it was such a cool shot. It actually looked so good that I wish sir could put it in the film. मैं तानिया का किरदार प्ले कर रही हूँ और तानिया एक इंडियन लड़की है जो थाईलैंड में रहती है और अचानक से वो एक सिचुएशन में आ जाती है जहाँ पर उसकी लाइफ खतरे में है और ये कुणाल जॉनी का किरदार प्ले कर रहा है, वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि ये जो स्ट्रेंजर है उन पर ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करें। तो दो कहानियाँ हैं जो पैरेलल चल रही हैं, एक में वो तानिया को मार देता है शुरुआत में और एक में वो तानिया को नहीं मारता क्योंकि वो उनका दिल अच्छा है और वो किसी को मार नहीं सकते। तो हाँ, तो कहानी उसके बारे में है कि अब अगर वो तानिया को मारता है तो क्या होता है और अगर तानिया को नहीं मारता है तो क्या होता है। मैं थिएटर कर रही हूँ ये दो प्ले जो गुलजार साहब ने लिखा है पृथ्वी थिएटर में, तो उसके रिहर्सल चल रहे हैं अब, तो मैं वो कर रही हूँ और फिल्म साइन करते ही मैं बता दूंगी आपको, अभी तक तो वैसे कुछ नहीं। हाय, मेरा नाम जुआ है, आप प्लीज़ हमारी फिल्म और भाग जॉनी 25 सितंबर को देखिए। थैंक यू।